हेलो एंड वेलकम टू डेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का घर, वीकेंड का वार, और ऐसे में सलमान खान ने दिया अरफीन खान को सबसे बड़ा झटका। निकली अविनाश की लॉटरी। क्या किया सलमान ने ऐसा कि घर में हर कोई हुआ हैरान। चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार में सलमान पूरे गुस्से में नजर आए। सलमान ने सभी कंटेस्टेंट की क्लास लगाई, लेकिन असली गुस्सा तो सलमान का निकला सिर्फ और सिर्फ अरफीन खान पे। सलमान ने अरफीन से कहा कि तुम इस घर के अंदर गॉड ऑफ टाइम हो, यानी कि वो शख्स जो अपने काबू में समय को रखता है, किसी भी फैसले को बदल सकता है, चाहे वो अतीत का फैसला हो या अभी का फैसला। लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने इस घर के अंदर एक भी सही फैसला नहीं लिया। यहाँ तक कि तुम तो घर में जब लड़ाई हुई तो उसको भी सॉर्ट आउट नहीं करवा पाए। शेम ऑन यू। घर में लड़ाई हो रही थी और तुमको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था। तुमको सॉरी चाहिए थी, है ना, कि तुमसे अविनाश सॉरी मांगे। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी फटर्निटी पर, तुम्हारे प्रोफेशन पर कमेंट करा था। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा प्रोफेशन है क्या? मेरी समझ से बाहर है और इन घर वालों की भी समझ से बाहर है। और हाँ, तुम इस घर में गॉड ऑफ टाइम बनने के लायक ही नहीं हो। तुमने मुद्दों को सॉर्ट आउट करने की बजाय मुद्दों को बढ़ाया। तुमने इस घर में सही का साथ कभी नहीं दिया। और तुम किसकी प्रॉब्लम सुनोगे? तुम्हारी तो अपनी ही खत्म नहीं हो रही इस घर में। मुझे नहीं लगता कि तुम ये पावर डिजर्व करते हो, और इसीलिए आज से तुम नहीं बल्कि अविनाश बनेगा गॉड ऑफ टाइम। अविनाश, तुम जेल से बाहर आते हो, मैं तुम्हें खुद रिहा करता हूँ और तुमको गॉड ऑफ टाइम बनाता हूँ। और एक और बड़ा फैसला, अरफीन, तुम जाओगे जेल के अंदर अविनाश की जगह, और मैं देखना चाहूँगा कि तुम जेल के अंदर जाकर आखिर क्या करोगे आप। वेल, दोस्तों, सलमान ने दे दिया सभी घर वालों को सबसे बड़ा झटका। आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।